मान लो अलग अलग रहने लग गए थे क्या? बाथरूम सबके अलग अलग नहीं थे घर में? नहीं, बाथरूम एक ही था और सबके शीर का था, लेटरिंग और बाथरूम सबके शीर का था। नीचे या ऊपर? नीचे जी। और सुमन ऊपर रहती थी तो वो उसको यूज करने के लिए नीचे आती थी। हाँ जी, तो उसको नंगा अवस्था में बाहर भी फेंक दिया जाता था। उसका क्या कारण था इस तरह से फेंकने का? जब घर में एक ही चीज है तो परिवार में कितने भी सदस्य हों वही तो उसको यूज करेंगे, बाथरूम को, उसको टॉयलेट को। एक उसको यूज नहीं करना क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मतलब तू अगर इसमें नहाएगी ना, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दूं, अगर तू इसमें नहाएगी तो जो तेरे शरीर से जो पानी टच होगा वो इस नानगर में रहेगा। हमारी लड़कियां नहाएंगी, हमारे बच्चे नहाएंगे, हमारी बीवी नहाएगी तो उनको भी बच्चे नहीं होंगे। अंधविश्वास से जुड़े हुए थे क्या? ये जेठ का मानना है। क्या वो लोग अंधविश्वास में फंसे हुए थे क्या? अंधविश्वास में नहीं, क्या किसी, देखो मैं जानना चाहूंगा किसी, आजकल एक ड्रामे और भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं जो इस तरह के, जो लोग मान ले इस तरह की जो बात निकल के सामने आ रही है कि उस जो वो नहाएगी तो वो पानी से दूसरे की बॉडी वो टच होगी बाथरूम में तो उनको भी वही इस तरह की मान लो दिक्कत होगी माना, तो इस तरह के लोग तो वो करते हैं वो, जैसे कि मैं देखिए इसको बात को कोई गलत ना समझे लेकिन समाज में ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, बाबाओं के चक्कर में हैं, तांत्रिकों के चक्कर में हैं, वो उनके दिमाग में जो है इस तरह के जो है बातें डालते हैं, ये मतलब इस तरह की जो ये बातें बता रहे हैं, और ये एक ही नहीं इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी जो समाज में चर्चाएं होती हैं। क्या जो वो परिवार जो बता रहे हो जो संजय और जो जो इस तरह के जो काम जो करते थे, क्या वो इस तरह के चक्कर में तो फंसे हुए थे नहीं थे कहीं पे? इस चक्कर में फंसे हुए नहीं थे का? मेरे को और हमसे ये बोला जा रहा है कि इस बात को रफा दफा करो, कोई बात नहीं। गांव के जो लोग हैं, सरपंच होगा और कोई भी? हाँ, सरपंच वगैरह का सरपंच से बात हुई है इस मामले में? क्या सरपंच से बात हुई इस मामले में? बिल्कुल हुई है जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा भी नहीं, उन्होंने नहीं किया ऐसा, ये कर ही नहीं सकते, कोई बात नहीं, हो गया और इधर ही दाह संस्कार करता हूँ। मगर नहीं, मैं तो पोस्टमार्टम कराऊंगा पहले, पोस्टमार्टम कराने के बाद मैं दाग दूंगा इनको, क्योंकि इस मामले में मेरे को फांसी का कोई क्लू नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और पूछना चाहूंगा, जो बात जो है हमारी जो अधूरी रह गई थी, जब बाथरूम से जब उसको बाहर निकाल दिया जो जाता था, तो क्या जोगिंदर जो जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, क्या आपके जो जीजा जी जोगिंदर ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई इस तरह का मामला जब घर में हो रहा है, एक महिला को इस तरह से बाहर फेंक दिया जाता है उसको नहाते हुए, तो अलग से उसकी सुविधा की जाए, ऊपर जब वो रहते थे ऊपर उसकी सुविधा की जाए, क्या कभी ये नहीं हुआ, सोचा नहीं कभी? सुविधा नहीं जी, ऊपर इधर वाले पड़ोसी देखना चाहे नाती को तो देख सकते थे, इधर वाले देखना चाहे तो देख सकते थे, पीछे वाले भी देखना चाहे तो देख सकते थे, नहाते वक्त आंगन में बाहर एक कॉर्नर में जैसे मंडेर निकाल देते हैं, मंडेरे के सारे नाती थे और नाती थे, तब उसका जेठ संजय बाहर बैठता था और ऐसे देखता था गेट ऊपर, जैसे अभी मेरे को दिख रहा ना मेरी मंडेर, आप देख सकते हैं वैसे। और नानगर के लिए अगर मेरी सिस्टर ने बोला है तो मेरा जीजा बोला मैं कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि वो जुआ सट्टा खेलता, उसके पास कोई पैसा ही नहीं था, वो नानगर बनाने रसोई बनाने की उसके पास कोई औकात ही नहीं थी, ना ही खुद वो प्लाट का मतलब कुछ बना सकता उसके अंदर, ठीक है। मेरी बहन बोलती भी मेरे साथ ये टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे को मार रही है, ऐसे मेरी सिस्टर बोल रही है ना, तो मेरे सिस्टर को वो जवाब दे रहा कि मेरे भाई से तू मेरे को मरवाएगी, ये कैसे जैसे भी कर रहे हैं ऐसे करने दे, अगर जगह इनको जब मैं कुछ कहूँगा तो ये मेरे को मार देंगे, इसलिए मेरी सिस्टर दबी ही रहेगी, कुछ बोल नहीं सकी। मेरी सिस्टर को मतलब मेरे हमें बताने के लिए कई बार काफ़ी बार सोचा है, फिर उसने सोचा भाई तेरे पति की इज्जत जाएगी, इसलिए उसने मतलब हमें बताने की कोशिश की थी, फिर बता नहीं पाई वो। ये बात जो अगर बताई है ना भाई, उन्होंने बाहर फेंक दिया, वो कर दिया, तो ये मरने से मतलब 2-3 घंटे पहले जो बात हुई नहीं, थी एक दिन पहले, जैसे एक दिन वहाँ पे था रात को, मतलब रात को था या मैं रात को था ना, था एक दिन पहले वहाँ थे आप? बिल्कुल, मैं वहाँ पे था। किस झगड़े में उनका आपस में झगड़े में गए थे या वैसे गए थे? मैं झगड़े में गया था। क्या झगड़ा हुआ था वहाँ पे? झगड़ा हुआ था इनका, जो कि मतलब मेरे को बुलाया गया था, वैसे मैं अपने ननिहाल लगाया था भैंस लेने के लिए, तो उन्होंने फोन किया भाई तू शाम को इधर आ जाना, मैंने कहा भाई कोई बात बता नहीं, कोई बात नहीं, तो शाम को इधर आ जाना, तो मैं समझा भाई चलो लड़की का दिल कर रहा है, बटे हुआ दिल कर रहा है मिलने के लिए चले जाती हूँ वहाँ पे, मैं चला गया। जाने के बाद मैंने देखा तो रोटियाँ बना के रखी हुई थी, खा दोनों ही नहीं रहे थे, तो मैंने पूछा भाई खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो बोले नहीं भाई हमने तो खा लिया यार, तू खा ले। तो मैं बोला भाई जब रोटी खाई डी हो तो बर्तन या कोई तो सब चीज़ पाओगी, इसी बार तो हमने कौन नहीं भाई, जो कि दिन छिप गया मैंने वहाँ रोगी हो रोटी बनाई खा गए हो तुम्हें, मैं रोटी खा लो। तो मेरे कहने से दोनों ने आधी आधी रोटी ले ली,
आज आज रोटी खा लिया, आज रोटी खाने से मंगा की बात हुई। जोगिंदर बोला मेरे को भूख नहीं है, मेरी जाड़ दुख है। और सुमन बोली कि मैंने अभी भी खा के छोड़ दी थी, ये तेरा मन रखने खातर खा ली, मैंने रोटी खा ली। रोटी खाने के बाद मैंने पूछा भाई बात है वो सच्ची बता दो, क्योंकि तुम दोनों ना तो बोलने लाग रहे हो और ना कि मैं कहने लाग रहे हो, ना मैंने कहने लाग रहे हो, ना आपस में बोलने लाग रहे हो, तो मैंने ऐसा लागे भाई तेरी आपस में लड़ाई हो रही है। तो सुमन बोली भाई बोले मन ने नीचे नानगर में नान दी, मैंने बाहर फेंक दी, नीचे ना हूँ थी नानगर में और मैंने बाहर फेंक दी, बाहर ना हूँ तो मेरा जेठ देखे है, अगर जेठ नहीं देखे है तो कोई भी बोले पड़ोसी लिगड़ के आ जाए तो मेरी तो मान मर्यादा गई, क्योंकि उनका एक नीचे ना हुआ उनके पड़ोस में तीन तीन मंजिली कोठी है, तो वो तो जनाब कोई भी किसी टाइम भी निकल सके सर इसमें, तो उन पर कोई पाबंदी को नहीं, क्योंकि अपने घर तो कोई भी आ जा सकर, ये थोड़ी नहीं बताऊगा कोई भाई बस सुमन नान लाग रही या सुमन सब ने थोड़ी बता गया पड़ोस में नान लाग रही हूँ, तो उनने भी कौन बताओ और उनने भी कौन बताओ बेचारा ने, तो कोई भी लिगड़ सके बोले भाई मैं इस चक्कर में नान गई थी नीचे और संजय ने अभी बूथ कह के ना शर्मिला लगे और मैंने बाहर फेंकवा दी। तो मैं जोगिंदर था डूब गए मर्चे में उसके, उस टाइम पर भी मारने गया था जी, मुड़ कर गया था रियल में से ही बताऊँ, एक दिन पहले ही की बात है। हाँ एक दिन पहले की बात है भाई, मैं इसके सड़क है एक दो दर्द दूर है, तो मैं बोला बस सवेरा अपने घर चल लाँगे और अलब चला तो यही चला, तो मेरी भी बोली ना सवेरे चल लाएंगे मैं, ठीक है भाई। मैं दिन लिगड़ गया जी, सवेरे चाय पी ली, चाय पी के मैं चल भाई सुन चलना है, बोले भाई मैं इस गए भी तक खतर कर कौन छोटूँ ठीक है, और मैं आप आ जाऊँगी तू बैच लेके चल, मैं कहना मैं बैच लेके कौन चलूँ, मैं तने लेके जाऊँगा। तो वो जोगिंदर हाथ जोड़ने लगा, पैर पकड़ने लग गया, बिल्कुल पैर पकड़ने लगा, जिस तरह के उनके अगले दिन जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन ना उससे पीछे उससे पहले दिन। अच्छा अच्छा, आप एक दिन बीच में छोड़ गए, एक दिन तीसरे दिन जो है वहाँ पे गए थे रात को, जी जी जी। रात को वहाँ पे रहा फिर दूसरे दिन बैच लेके आया ना मैं, जी जी जी। तो वो पैर पकड़ने लगा, फिर ना मैं कौन छोड़ दूँ। तो सुमन बोली भाई ये भी उन्हों का है, आगे मैं कदे भी सा काम कौन करूँ और मैं ठीक ठाक रखूँगा, ये है वह है। तो बोले भाई रात सब बता दो ना पैर पकड़ देने, गलती मांग देने, तो बोले ये बिगाड़ था सारा गाँव ना बार बार मैंने सौंप के जाओ हो तो बिगाड़ इसने सौंप जाओ, देखी जाएगी बोले एक रात में तो मतलब कुछ नहीं होता बिगड़ा, और इतने पाप माफ कर दी इसके तो इस वो कर दो, क्योंकि हर रोज अक्सर उनका लड़ाई होया करती, तो मैं पंचायत लेके जाया करता उड़ते भी और गांव की पंचायत आया करती, तो हम लोग क्या कहते हैं चल भाई गलती उन्होंने लिखा करती, तो गांव के उनके पसर जाया करते जी बोले जानी कौन और हमने छोड़ दो, तो वो बुजुर्ग आदमी होगा हम फिर भी आदर कराया करते भाई कोई बात नहीं, बस ज्यादा कोई बात नहीं, बुजुर्ग आदमी का आदर कराया करते। फिर हमने वो छोड़ दी, छोड़ने के बाद मैं अपने घर आ गया, घर आने के बाद मैं रात ने मतलब घर आ बैठा 7-8 बजे इसी टाइम बैठा था घर आके, दूध दूध काट के मैं रोटी खा के सो गया। सुबह उठा तो बोले रात मारा रात रोला माच गया, मैं किस बात का माच गया, रात तो रसूल जड़ा करवा गया हूँ, दिने तो गया बीच गए एक रात गई है, ज़्यादा बार तो कौन नहीं हुई, बोले ना मारा रोला माच गया, तो जोर जोर तो रोने लग गया वो। मैं बोला रोया क्या थे, बोले तेरी बेबी ने मेरे मारी, मैं क्या था मारी, बोले मोटी और हमारे थी श्यामी मोटी मुंदर के लड़पड़ी और मैं बीच में कौन बोल रहा, तो मैं छुटाने खातर तेरे बेबे पकड़ने खातर लाया, तो बेनू धक्का मारा मेरे, मतलब जैसे अब लड़ा तो धक्का ही लगेगा जी और कुछ नहीं होगा, हाँ बोले मेरा थप्पड़ मारे, मैं थप्पड़ कौन हूँ धक्का बोलना इसने, बोले मेरे मारे, मतलब उसने ऐसा मेरे भीतर में फिट कर दिया दिमाग में भाई, मतलब जो मैं श्री बन गया, मैं उसके पिछले सारे गुना भूल गया, बोल के ना मैं कोई बात नहीं मैं मेरे बेबे ने कह दूंगा। मैं अपने सुमन दो फोन मिला के मैं बेबे, वो सुमन का फोन आया दिन में, तो मैं सुमन लड़ाया कौन करे बेबे और बटी रो था, अरे ये बार बार अपन धमकी दे मरण की, मिनट मिनट में धमकी दिया करता जी वो मरण की, अगर उन्होंने कहते ना भाई तू काम लाग जा बोले मैं मर जाऊंगा, अरे तू मर जाएगा तो कमा के खुआ, हमारी छोरी लेने खातर प्रेशर घड़ा दिया करते भाई पंचायत कौन करा बोला चुपचाप ले आवागे, हमारी छोरी ले आवागे, तो बोले मैं मरूंगा बात बात उन्होंने करता मैं मरूंगा, हम उस डर से हमारी सुबह छोरी ने बोले जब मर गया ना बेबे तो अपन को साथ कौन बैठने देगा इसके, ठीक है नू कहेंगे लोग भाई के मतलब भाई छोरी ने मार दिया, बोले ठीक से भाई मैं इनके लिए बोल लूँ कौन मैं ठीक से, ओ तो बोले क्या भाई मारा भाई बात तो बोले अके मैं बोले मारा रोड़ा ईब तो कौन ही मारा ईब तो रोड़ा कौन ही आज तू समझा के गया तो उसके बाद ना मैं बोल लू ना वो बोले सवेरे तो रो गया था वो, ये उसी दिन की बात है, हाँ उसी दिन की 9:01 पे बहुत रोया वो, 9:01 बहुत रोया, मैं वो रो था, बोले ना भाई
मेरी माँ ने फोन ले लिया, मेरी माँ बोली बेटा ना करे ना करे, लड़ाई वगैरह ना करे करो, तरह से जब बचाओ। बोले हाँ लड़ाई तो जिद करूँ, मैं कुछ बोल दी हूँ ना, मैं बोल रही हूँ ना वो बोल रहा है। अब राजी खुशी दुकान फैक्ट्री में गया है कंपनी में और मैं अपने घर आया हूँ, हमारी कोई लड़ाई को नहीं, मैं लत्ते धोके ले आई हूँ, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, माँ तो रो था। बोले ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारा। बोले अच्छा। फिर उसका फोन आया मेरे दोर है दोपहर 2 बजे, तेरे बेबे ने कि मैं कह कि मैं कौन गया, मैं तो मतलब कुछ कौन गई मेरे बेबे ने, भाई वही बात कही थी जो तू मैंने कह था, अगर तो खा पी के मर्जी आ रहे तो हम किस तलाक कर, ठीक है इससे बड़ा जिंदा तलाक लेना ठीक है, मन में सोचा कर दे लेकिन मरे ना किसी का भी जिसा भी वो है। तो मगर ये बात हुई थी अपनी तरफ कुछ नहीं। बोला ठीक से तो फोन काट दिया उसने। उसके बाद में फोन आया उसका, बोला तेरे बेबे मर गई। ये कितनी देर बाद आया? 9 मिनट, 8 मिनट, शायद 8 या 9 मिनट बाद में। उसी जब आपकी बहन से आपकी बात हो रही थी तो उसके 8-9 मिनट बाद ही उसका फोन। हाँ उसका फोन आता है, तेरे बेबे ने ये कहा था, मैं 5-4 मिनट बाद छोड़ गए मर जाओगे, जिस जगह फोन आया तेरे बेबे ने किया हम तो कुछ कौन गई। बोला ठीक है तो ले पूछूंगा मैं, ठीक है काट दे, फोन काट दिया। उस जो ये फोन आया ना के कहता हमने, उसके 5 या 7 मिनट बाद फोन आया तेरे बेबे ने फांसी लगा ली। बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको, शॉर्ट में पूछना चाहूंगा। मारी गई है, प्लान बना के मारी है। पहले मतलब भाई रोने का ड्रामा करना और पूरी जो है प्री प्लान करके प्री प्लानिंग करके और मेरे को शक भी पूरा है संजय ने, इसने दोनों ने मिलके मारी है। जोगिंदर संजय ने, हाँ संजय उसकी जेठानी, तीनों का प्लान जोगिंदर का है, प्लान संजय का है और मारी संजय ने है, साथ इन दोया का और भी है जो कि सेती मरवाना में तो उसकी जेठानी थी, लेकिन इसने प्लान बनाने के लिए फैक्ट्री में भी शायद अंगूठा लगा गया हो। वो तो मारने के बाद गया कौन लगा जोगिंदर फैक्ट्री में जाता था अभी? हाँ जो नहीं 5-4 दिन पहले तो गया ही नहीं हो। अच्छा, प्लान बना के मारी गई है जी भाई। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जो आपने जो अपनी बेटी गोद जो दे रखी थी, क्या गोद नामा लिखवा रखा था? हाँ जी गोद नामा लिखवा रखे। तो उस बेटी का क्या होगा अब, वहाँ पे उसको वहाँ पे रखोगे या यहाँ पे लेके आओगे? नहीं मैं मेरे पास ही रखूँ, मेरी सिस्टर को दी थी मैंने, अब वो ही नहीं है तो वहाँ पे वो लड़की क्या करेगी? सही बात, जिद वो मेरी बहन ने मार सके तो यह तो मेरी जमोड़ी है। इस लड़की ने तो बोझ बताऊंगा अगला, हमने मांगे तो उन्होंने फेंक दी लड़की हमारे पास, मैंने गुस्से में बोल दिया मैं मेरी लड़की दे दो मैंने, तो उन्होंने फेंक के मारा, उनके कोई आंसू तक नहीं है अभी तक। जो अंतिम संस्कार पे आप गए होगे उस टाइम? हाँ कोई रोया नहीं उनके वहाँ पे, सबके मन में यही था कि खुशी सी थी एक, और एक जो खोब देखा था मैंने उनकी नजरों में, खोब देखा है मैंने, सिर्फ 2 आदमी होंगे बाकी किसी के कोई खोब नहीं है। किसके? संजय के तो चेहरे पर ज्यादा खोप है, ठीक है, और जोगिंदर के और वो लुगाई हमने दिखी नहीं। अच्छा अभी जो है मैं पूछना चाहूंगा, अंतिम संस्कार के बाद जो है क्या आप लोग थाने में गए या क्या कुछ किया, FIR वगैरह करवाई या क्या? हाँ, कुछ FIR कटाई हमने जी, उसी दिन कटवा दी थी। हाँ उसी टाइम पहले हमने पुलिस ही बुलाई है, मैंने पहले मैं जाके देखा है। अच्छा अंतिम संस्कार से पहले तो पुलिस बुलाई है, उसकी पोस्टमार्टम करवा के उसके बाद करवा? हाँ जी पहले मैं गया वहाँ पे, जाने के बाद में मैंने देखा भाई ये तो फांसी लगा देगा तो कोई चांस है को नहीं, या तो मारी गई है प्लान करके या कैसे सुत्ती दबोची गई, मेरी नज़र में तो सोई हुई थी ना उसी में दबोची उन्होंने, ठीक है कोई निशान नहीं था यहाँ पे कोई भी। अच्छा FIR जो आपने करवाई है उसमें किस किस के नाम इन्वॉल्व है? इन तीनों के नाम इन्वॉल्व है जी, संजय का और शर्मिला, संजय की वाइफ शर्मिला और हमारे जी जस जोगिंदर का। क्या कोई अरेस्ट हुआ इनमें से अभी? 2 अरेस्ट करे थे पुलिस ने और छोड़ दिए। कौन कौन करे थे? संजय और बलवान, जोगिंदर बलवान तो एक्सपायर है, सॉरी संजय और जोगिंदर। संजय और जोगिंदर जो है अरेस्ट के थे, अगले दिन छोड़े या उसी दिन कब छोड़े? उसी 2 घंटे बाद ही छोड़ दिए बता रहे। क्या क्या कह के छोड़ा उनको कुछ पता आपको? जी हमें नहीं पता, मेरे को तो यही कहा था मैं ही बार अरेस्ट करके ले जाऊँ और मैं कागजी कार्रवाई कर दूंगा आज पूरी, ये जेल में जाके शिफ्ट करवा दूंगा इन्हें,
ठीक है, लेकिन उनको छोड़ दिएगा दूसरे दिन, उस रात को छोड़ दिएगा। दूसरे दिन कुछ गांव वाले जाके हमारे रिश्तेदारी में बोलते हैं भाई मार लें तो छोड़ दिए, और तार पे किमें होया को नहीं करवाया था, वो जो हमने करवाया था वो तारा किमें को नहीं होया, ठीक है, मारे तो छोड़ दिए। ये बात प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए? प्रशासन से मैं यही अपील करूंगा कि वो गिरफ्तार होने चाहिए तीनों के तीनों। अगर फांसी का कानून है ही देश में, इसके संजय तो के पास कितने बच्चे हैं? इस संजय के पास जी मेरे को इतना क्लियर बच्चा पता नहीं है, चार बच्चे हैं, साढ़े चार पाँच बच्चे, चार बोला था, चार बच्चे हैं, चार लड़के एक लड़का है, तीन लड़के। आप भी सुमन के भाई हैं, क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मैं तो यही मांग कर रहा हूँ सर कि मेरी जो आज सिस्टर को मारा है, ऐसी और किसी बेटी को मतलब कोई भी ना मारे, इसको न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर फांसी का ऑर्डर है तो मेरा यही कहना, आज मेरे अंदर दुख है कि उसको फांसी देनी चाहिए। प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ मैं, बाकी और कोई मांग नहीं मेरी। भाई ये जो मामला है आपने पूरा देख लिया है, किस तरह से एक बहन को, एक बेटी को, एक बहू को, उसको बार बार जो है बच्चे होना ना होना ये सब परमात्मा के हाथ में होता है, भगवान के हाथ में होता है, उसने किसको क्या कुछ जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है, उस बहन को जो है बच्चे नहीं थे उसके पास, और जो है उसके भाई ने भी जो हमें बताया है कि जो कमी थी वो जोगिंदर में ही कमी थी, इसीलिए जो है उनके पास कोई उनके संतान नहीं थी, और ऊपर से जो है इस भाई ने जो है अपनी बेटी को उनको गोद दे दिया था, तो भाई वो जब गोदनामा लिखवा दिया था तो भाई बच्चे तो इसका मतलब जो है हो ही गए थे, एक बेटी जो उनके पास हो गई थी, और ऊपर से जो है जोगिंदर में ही जो है ये बता रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट भी है वो जो है संतान पैदा करने में जो है वो सक्षम नहीं था, उसी में कमी जो बताई जा रही है, और बार बार परिवार के और जो सदस्य हैं, देवर जेठ हैं, जेठानी हैं, उनके द्वारा उसको बांझ कह के उसका शोषण किया जाना, उसको प्रताड़ित किया जाना, और जो 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 बातें जो आपने बताई हैं किस तरह से बाथरूम से बाहर फेंक देना और बहुत सारे तरीक़ों से जो है उसको प्रताड़ित जो है बार बार किया जा रहा था, जो है लगभग 11-12 साल से ही उसको जो है इस तरह से वो उनके शोषण का वो शिकार होती आ रही थी, और अब जो है परिवार का कहना है कि उसको प्री प्लान करके जो है उसकी सांसें छीन ली गई हैं, और इसमें जो है परिवार प्रशासन से अपील भी कर रहा है कि भाई इस मामले की छानबीन की जाए, और इसमें जो भी इसमें दोषी आता है उसके ऊपर जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यह पूरे परिवार की जो है प्रशासन से अपील है। भाई इस मामले में कोई और बात अगर निकल के सामने आती है वो भी हम हरियाणा 108 पर जरूर लेकर आवेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा।